हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जब भी अपने घर से बाहर जाते हैं ना, चाहे शादी हो, चाहे कहीं घूमने जा रहे हो, चाहे किसी भी प्लेस पे जा रहे हो, तो हमारा जो घर का काम है ना, वापस आने के बाद में 4 गुना बढ़ जाता है। तो देखिए, मैं इस व्लॉग पे अपने घर के काम के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा काम को कैसे मैनेज कर रही हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में, और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 8, और पता है सबसे पहले मैं ना सारे काम को शुरू करने से पहले ना मैं यहाँ पे खाना रेडी कर लूँगी, क्योंकि सबका अगर पेट पूजा हो जाए और हम अलग सा काम अगर करने में बिजी भी हो जाते हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहले सबका पेट पूजा और मैं खुद भी खाना खा लूँगी, उसके बाद में ही सारे काम की तरफ ध्यान देंगे। क्योंकि फ्रेंड, जब भी घर में बहुत सारे काम होते हैं ना, तो मैं फिर खाना पीना खा लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, फिर आराम से अपना काम होते रहता है। क्योंकि भाई, हम लोग जब बाहर से आते हैं तो घर का काम ही समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, तो उसके हिसाब से हमारा जो पेट पूजा है वो हो जानी चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैं सभी के लिए रोटी वगैरह तैयार कर दूंगी और सबको खाना वगैरह दे दूंगी। तो क्या है ना कि जैसे कि घर में भी सभी को अगर खाना वाना दे दो ना टाइम पे, तो वो लोग भी शांत रहते हैं, नहीं तो अगर खाना ना दे तो हमारे काम के बीच बीच में बोले जाएंगे। इसलिए सबसे पहला खाना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, खाना पीना तो हो गया था, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मेट्रेस के कवर निकालने के लिए, क्योंकि देखिए कल ना मैंने किचन वगैरह का जो भी मतलब ऊपर ऊपर साफ सफाई कर दी थी, जैसे कि आपने पहले के ब्लॉग में देखे हैं, और आज मुझे ना सब मतलब बेडशीट बोलो या फिर ये कवर वगैरह बोलो, इनकी धुलाई करनी है। तो आज ना मेट्रेस के मैंने कवर निकाल लूँगी धोने के लिए, तो यहाँ दोनों मेट्रेस के कवर को हटा लेंगे। तो पता है थोड़ी सी ना ये मेट्रेस के मेज़रमेंट से ना थोड़ी सी टाइट हो रहा है, मतलब ये कवर, तो निकालने में ना थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही थी। तो चलिए, फिर भी मैं अकेले ही यहाँ से इसके कवर को हटा ली हूँ। और ये ना स्टिचिंग वाला मैट्रेस का कवर है, तो काफ़ी मतलब टिकाऊ है। और ये जो देख रहे हो ना दूसरे रूम का, तो इसका ना रेडीमेड हमने मैट्रेस का कवर लिए थे, तो काफ़ी मतलब ना फटने लग गया है जल्दी से। तो मुझे ना बेटर लगा स्टिचिंग करने वाला, जो हाथों से स्टिचिंग करवाया गया था है ना, वो काफ़ी अच्छा निकला, और रेडीमेड ना ख़राब सा नहीं होने लग गया है। तो देखिए, यहाँ पर दोनों मतलब मैट्रेस के कवर को मैंने डाल दिए थे, और दोनों मशीन में एक साथ अच्छे से मतलब चारों मैट्रेस के कवर धुल जाएंगे। तो पता है ये जो वीडियो है ना, जैसे कि ये जो मैं कपड़े जो खाली कर रही हूँ, तो ये है थोड़ा सा एक दिन पहले का, तो इसको मैंने ना ऐड कर दी हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना मैं इसके बाद में ना वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे होमवर्क थे, 15 दिन के छूटे हुए, तो बच्चे ना मोबाइल से ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे फ्रेंड से लेने के बाद में, तो फिर मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं किए थे। तो ये थोड़ा सा क्लिप है 16 अप्रैल का। तो क्या होता है ना कि जब भी हमारे घर के काम होते हैं ना, तो जैसे कि हम लोग जब भी आते हैं बाहर से, तो बैग वगैरह हमारे सारे भरे होते हैं कपड़ों से, तो यहाँ सबसे पहले तो ना बैग को खाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर बैग खाली हो जाता है ना, तो घर का जो आधा मतलब साफ सफाई है काफ़ी अच्छा लगता है। नहीं तो बैग क्या है, बैग में अगर कपड़ा रखा रहेगा ना, तो इधर उधर बैग भी दिखेंगे, तो देखने में भी काफ़ी बेकार सा लगता है। तो यहाँ ना मैंने सभी के कपड़े को खाली कर लिए हैं, 3 बैग लेके गए थे, तो तीनों के मतलब हम चारों के कपड़े को खाली कर लेंगे। तो इसमें ना एक वाले मतलब स्टोरेज बैग में बच्चों के रख दिया है, और एक स्टोरेज बैग में मैंने हस्बैंड के कपड़े रख दिए। अब मैं कर लूँगी अपनी साड़ी वगैरह खाली। तो ये जो स्टोरेज बैग है ना, मैंने मीशो से मंगवाए थे और काफ़ी अच्छे निकले फ्रेंड्स। और ये जैसे कि 6 स्टोरेज बैग आए थे, तो 6 में से ना मतलब कि जैसे कि इसमें पता है एक स्टोरेज बैग में साड़ी कम से कम 7 से 8 आई जाती है, और काफ़ी अच्छा भी रहता है। जैसे हम लोग रखते हैं उसी तरह से साड़ी अच्छी तरह से रखी रहती है, कोई सिलवटे वगैरह नहीं आती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये स्टोरेज बैग, और इन्हीं में मैं सभी के कपड़े पैक करके अलमारी में डाल देती हूँ। और वैसे भी हम लोग का आना जाना बहुत कम होता है, तो धूल मिट्टी से भी बचा हुआ रहता है। तो चलिए भाई, सभी को हमने पैक कर दिए है, और अब हम अलमारी में रख देंगे। तो यहाँ पर मेट्रेस के कवर को मशीन में डालने के बाद में मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे सारे बर्तन जो है धोने के लिए मैं ले लूँगी। और जैसे कि सब्जी ना काफ़ी रखी हुई थी और चौलाई फल्ली की, तो उसे मैंने कढ़ाई में ही रख दी हूँ, और बाकी चम्मच वगैरह मैंने निकाल लिए हैं धोने के लिए। और यहाँ पर ना गैस की क्लीनिंग वगैरह कर दूँगी। और फ्रेंड्स, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि मैं काम कितना करूँ और कितना नहीं करूँ, क्योंकि इतने सारे काम दिखते हैं ना जहाँ जाओ वहाँ, कि समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे पहले तो मैं किचन क्लीन कर दूँगी, ताकि कि ना थोड़ा सा मन भी ना अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे गैस वैस तो मेरा क्लीन हो गया है, और यहाँ पे जो बर्तन है उसे भी हम साफ़ वगैरह कर लेंगे। और
बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए थे फ्रेंड्स, तो इस समय बच्चे अपने काम करने में लगे हुए थे क्योंकि 2 हफ्ते का जो उनका काम रुका हुआ था ना, वही कंप्लीट करने में लगे हुए थे। और यहाँ पे देखें, मैंने झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पे मैं कर लूँगी पोछा, और सारे घर को ना पोछा वगैरह मैंने लगा दी थी, और लास्ट ये मेरा हॉल बचा था, तो यहाँ से पोछा लगाते लगाते मैं डायरेक्ट बालकनी की ओर निकल जाऊँगी। और यहाँ देखिए, जो अब मेरा रूम का जो कंडीशन है ना, काफ़ी आपको ख़राब लग रहा होगा, क्योंकि देखिए जब हम लोग जैसे कोई भी काम करते हैं ना, तो सारा बिखेरा सा बिखेरा हो ही जाता है। तो सारे मैंने बेडशीट वगैरह सारे धूल दिए हैं ना, तो सभी ऐसे ही आज दिख रहे हैं। मेरा रूम का जो हाल है वो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार राधे राधे। और जस्ट फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के निकली हूँ, और क्या है ना कि आज मैंने बाल वगैरह भी धो लिए, क्योंकि 3 दिनों से मैं जो डस्टिंग वाला काम कर रही थी ना, तो काफी मतलब हेयर भी खराब होने लग गए थे धूल से, तो आज मैंने बाल भी धो लिए हैं। और आज है वेनेसडे, और क्या है ना कि अभी जैसे कि नहा के जैसे नहाते नहाते ना फ्रेंड्स, काम की वजह से काफी टाइम हो जा रहा है। एक तो घर के इतने सारे काम, और सचमुच में जब हम लोग ना छुट्टी जाते हैं, छुट्टी मतलब हमारे जो आर्मी में क्या होता है ना, जब भी हम लोग अपने घर जाते हैं ना, तो उसको हम लोग छुट्टी बोलते हैं। तो जब हम लोग मतलब अपने घर से बाहर जाते हैं, मतलब अपनी घर के ओर, तो यहाँ पे जो घर का कंडीशन होता है, मतलब क्वार्टर्स का, इतना बुरा हाल हो जाता है ना कि ऐसा लगता है कि फिर से हम घर शिफ्ट कर रहे हैं फिर से, तो वही काम हो जाता है। और मैं कंटिन्यू 3 दिन से काम कर रही हूँ, और काम खत्म होने का बिल्कुल भी नाम नहीं दे रहा है। तो आज बताया, जैसे कि 4 मेट्रेस है ना, उनके सारे कवर भी वॉश करके, ये कवर भी सूख चुका है, और यहाँ 2 मेट्रेस है मैंने जो धूप में आज ना रख दी हूँ। मैं सोची कि चलिए भाई धूप वगैरह में रख देते हैं, तो बालकनी छोटी पड़ जाती है, तो कपड़े भी पूरी तरह से मैं नहीं डाल पा रही। अभी मैंने हाथ से मतलब कपड़े धुले हैं, तो अभी डालने के ही है, तो सब ये हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही डालूंगी, और कवर वगैरह भी डालना पड़ेगा मुझे। तो फ्रेंड, जैसे कि अब यहाँ पे देखे, रेडी होने के बाद में आ गई हूँ, और यहाँ पे जैसे कि ना सब्जी इन्होंने सुबह ही लेके आए थे, तो इसे सारे सब्जी को मैंने धो के चलनी में रख दिए थे, और सारे पानी हट चुके हैं, और फ्रिज भी मैंने सुबह ही साफ कर दिए थे, क्योंकि कई दिनों के बाद में जब हम फ्रिज में कुछ भी सामान नहीं रखते, और जैसे कि बंद रहता है ना, तो उसके बाद में अगर हम क्लीन कर देते हैं तो अच्छा होता है दूसरा सब्जी फ्रेश रखना, नहीं तो गंदे फ्रिज में अगर रखते हैं तो उसका जो भी बैक्टीरिया होता है वो सब्जी के अंदर चला जाता है, इसलिए हमें क्लीन करके ही रखना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने क्लीन करते हुए आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि ना उस वक्त मेरे बच्चे कर रहे थे मोबाइल से काम, तो उनको मेरे को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैंने कैप्चर नहीं कर पाई वीडियो। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।